गुड मॉर्निंग। फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम यूनिट वन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट वन। ये है और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर EE 305। ठीक है, सब्जेक्ट छोड़ हो गया। तो इसके अंदर जो यूनिट वन है, वैसे तो यूनिट वन का नाम दिया हुआ है सिलेबस के अंदर कंट्रोल सिस्टम, लेकिन इस यूनिट को तीन पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा वो है बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ब्लॉक डायग्राम एंड इट्स रिडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड मेसन्स गेन फॉर्मूला, मेसन्स गेन फॉर्मूला। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम तो हमारा टॉपिक है। यूनिट वन के अंदर हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले बात आती है कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, कंट्रोल सिस्टम इज या फिर बोलिए एक सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कनेक्टेड टूगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, परफॉर्म में स्पेसिफिक टास्क बोल लो या फिर फंक्शन बोल लो, इन विच आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय द इनपुट। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या है, इंटरकनेक्शन है, जिसका परफॉर्म जिसका प्रिंसिपल्स क्या है, कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है, और उसके अंदर क्या होता है, जो आउटपुट है वो कंट्रोल होता है इनपुट के द्वारा। ठीक है, अल्टीमेट पर्पस देखें कंट्रोल सिस्टम का, पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस जो है वो है ऑटोमेटिक एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, कंट्रोल, तो कंट्रोल सिस्टम क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने कनेक्ट किया है और उनका एक उनको टास्क क्या है, किसी भी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है और उसके अंदर जो एरर है उसको मिनिमाइज करना है। अब देखो एरर है, तो एरर क्या है, एक प्रोसेस है, एक कंपैरिजन की प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो एरर को निकालने के लिए क्या है, कोई दो पैरामीटर्स हैं, कोई दो चीजें हैं, उनको हमें क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। तो कंट्रोल सिस्टम के अंदर एरर डिटेक्शन और करेक्शन कैसे हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये तो डेफिनेशन हो गई, अब थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि जैसे हम एक एसी कंट्रोल सिस्टम देखते हैं, ठीक है, ये हमारा कोई एसी है मान लो, ठीक है, तो एसी है, एसी क्या करता है, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कूलिंग करता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। इसके अंदर क्या करते हैं, मान लीजिए हमने रूम टेम्परेचर कर रखा है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब मान लो मुझे फील होता है कि मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है, बॉडी ने सेंस किया गर्मी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम चला गर्मी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, मान लो
टेम्परेचर को 22 डिग्री सेंटीग्रेड करने की ज़रूरत है। तो हम रिमोट के थ्रू इसको सिग्नल देंगे, क्या सिग्नल देंगे, टेम्परेचर डाउन करने का, ठीक है। वो टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है, क्या एक साथ ही हो जाएगा, नहीं, वो क्या है धीरे धीरे बार बार हर प्रोसेस में क्या करेगा, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लो भी टेम्परेचर, उसको कंपेयर करेगा किससे, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है। अब मान लो उसका टेम्परेचर गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ी देर बाद वो चेक करेगा नहीं 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर वो टेम्परेचर डाउन करेगा, फिर डाउन करेगा, फिर डाउन करेगा, जब तक कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता। तो मतलब अभी क्या है, एरर है, और ये कंपैरिजन कब तक चलता रहेगा, जब तक एरर क्या ना हो जाए जीरो, ठीक है। एक बार जब एरर जीरो होगी, एरर जीरो कब होगी, जब जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है वो उसको एसी ने फॉलो कर लिया, तो एरर क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इसका एसी का काम क्या है, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, और वो रूम टेम्परेचर कौन मेंटेन करवा रहा है, हम लोग मेंटेन करवा रहे हैं, ठीक है। तो एसी कंट्रोल सिस्टम हो गया, मान लो हम व्हीकल चला रहे हैं, ठीक है, हम बाइक चला रहे हैं, हमने स्पीड मेंटेन कर रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि मुझे टाइम पे पहुंचना है, तो मुझे क्या करना है, स्पीड अप करना पड़ेगा, मुझे 50 किलोमीटर पर आवर पे जाना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमारे दिमाग ने सेंस किया, उसने कैलकुलेशन की, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सीलेटर को खींचेंगे और स्पीड को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। हमारा माइंड क्या करता रहेगा, उसके डिस्प्ले है उसमें स्पीड को चेक करेगा, और जब 50 किलोमीटर आ जाएगी उसके बाद क्या करेगा, उस स्पीड को मेंटेन रखेगा। तो जब तक एरर जीरो नहीं हो जाती, तब तक क्या है, वो प्रोसेस चलती रहेगी, प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन, वो तो बाद में भी चलती रहेगी, एरर जीरो हो जाएगी तब भी चलती ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक ऑफ वो कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ओपन लूप एंड क्लोज लूप। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए, इन पे जाने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं ट्रैफिक लाइट कंट्रोल का। इसके अंदर मैं तीन केस ले रहा हूं, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल बाय पुलिसमैन, ठीक है, वो जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर खड़े रहते हैं पुलिस वाले, वो दूसरा लाइटिंग लाइट सिस्टम, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल को देख रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल यूजिंग पुलिसमैन था, दूसरा ट्रैफिक लाइट को यूज करके लाइट कंट्रोल, और आजकल थर्ड वो चल रहा है कैमरा। आपने बहुत जगह देखा होगा कैमरा लगे रहते हैं, जैसे मान लो कुछ चौराहा है तो ये ट्रैफिक लाइट है, तो यहाँ पे क्या कैमरे लगे रहते हैं, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करना, फर्स्ट केस है पुलिसमैन वाला, इसमें क्या है, यहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, ठीक है, वो चारों तरफ से ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, ठीक है, ट्रैफिक की इंटेंसिटी के ऊपर, ट्रैफिक की डेंसिटी क्या है उसके ऊपर वो प्रोसेस करेगा। मान लीजिए इधर से कोई ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी है, इधर से भी है ना। अब ट्रैफिक कंट्रोलर जो है, मतलब मैं इसको कंट्रोलर बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो कंट्रोलर है, पुलिसमैन है, ये क्या करेंगे, ट्रैफिक को सेंस करेंगे कि लोड किस साइड में जाता है। मान लीजिए इस साइड से ट्रैफिक का जो है वो लोड ज़्यादा है, जो हैवी ट्रैफिक आ रहा है इस साइड से, तो वो क्या करेंगे, इन सब को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, और इसको पास होने देंगे, ठीक है। मान लीजिए कुछ देर बाद हमें उसे मालूम चला कि इधर से लोड ज़्यादा है ट्रैफिक का, तो वो इसको ब्लॉक कर देंगे और इन सारों को ब्लॉक कर देंगे, इसको अलाउ करेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, पुलिसमैन जो है वो क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, वो फीडबैक ले रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फीडबैक हो रहा है ना, ये फीडबैक किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ट्रैफिक के लोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं हम
की पॉइंट क्या है यहाँ पे, फीडबैक है। अब लाइट कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, हर साइड में क्या है, मतलब तीन कलर होते हैं इसके अंदर, रेड ब्लू ग्रीन। तो इसके अंदर क्या है, हर कलर के लिए एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फिक्स कर देंगे। मान लीजिए कि ये 40 सेकंड के लिए, ये 40 सेकंड के लिए होगी, फिर ये ग्लो करेगी, फिर ये ग्लो करेगी। तो इसमें कोई फीडबैक नहीं है, इसमें ट्रैफिक के ऊपर इंडिपेंडेंट है। इसमें क्या है, सारी प्रोसेस किस पे है, टाइम स्लॉट के ऊपर है। तो इसमें कोई फीडबैक नहीं है, नो फीडबैक, ठीक है ना, कोई फीडबैक नहीं है। नो एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक लोड, ट्रैफिक लोड का कोई एनालिसिस नहीं किया है, सिर्फ टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। कैमरे वाला जो है सिस्टम है, लेटेस्ट है, इसमें क्या होता है, ये भी पुलिसमैन की तरह ये क्या करता है, ट्रैफिक लोड को एनालिसिस करता है, ठीक है। जिधर का ट्रैफिक ज़्यादा है उसको अलाउ करेगा पहले, प्रायोरिटी ये होगी उसकी, उसके बाद अदर्स होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब ये करेगा तो सभी को, लेकिन इसके जो टाइम स्लॉट होगा वो अलग अलग होगा। मान लो जहाँ से इस साइड से ट्रैफिक ज़्यादा है तो इसको टाइम स्लॉट ज़्यादा देगा ग्रीन सिग्नल को, इस साइड वाले में इधर कम है तो उसको कम देर के लिए करेगा, ठीक है, समझ गए। टाइम स्लॉट जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, ट्रैफिक लोड के ऊपर, ठीक है, ट्रैफिक लोड के ऊपर हो गया। अब क्या है इसमें, क्या है, फीडबैक है, मतलब कंपेरिजन हो रहा है। तो ये तीन किस समझ में आ गए। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है कंट्रोल सिस्टम का, वो बेस्ड है किसके ऊपर, फीड के ऊपर। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ, ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक। अगर किसी प्रोसेस, अगर किसी सिस्टम के अंदर फीडबैक है, अगर किसी सिस्टम के अंदर, कंट्रोल सिस्टम के अंदर फीडबैक नहीं है तो वो है हमारा ओपन लूप सिस्टम। अगर किसी क्लोज लूप सिस्टम के अंदर, सॉरी, किसी कंट्रोल सिस्टम के अंदर फीडबैक है तो वो है हमारा क्लोज लूप सिस्टम। तो एक मोटे मोटे तौर पे हमें समझ में आ गया कि जो कंट्रोल सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन फीडबैक। फीडबैक होगा तो एरर का डिटेक्शन होगा। फीडबैक का मतलब क्या है, कंपैरिजन, आउटपुट को मिक्स कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ में, इनपुट के साथ में। फीडबैक का मतलब है कुछ पोर्शन ऑफ आउटपुट को मिक्स कर रहे हैं इनपुट के साथ में, एक्चुअल इनपुट के साथ में। अभी आगे देखेंगे पूरी प्रोसेस को, फीडबैक क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया हमें कि फीडबैक नाम की कोई चीज़ होती है जो क्या है, एक बेसिक है कंट्रोल सिस्टम को डिवाइड करने का। और कंट्रोल सिस्टम क्या हो गए, दो टाइप के हो गए बेस्ड ऑन फीडबैक। अगर उसके अंदर फीडबैक नहीं है तो वो ओपन लूप सिस्टम हो गया, और अगर फीडबैक है तो क्लोज लूप सिस्टम हो गया, ठीक है। अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम। तो ये मान लीजिए हमारा ओपन लूप सिस्टम है, ये क्या हमारा ओपन लूप सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर इनपुट अप्लाई करेंगे, इनपुट सिग्नल है, ये सिस्टम क्या करेगा, कुछ ऑपरेशन इस इनपुट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और हमें क्या प्रोवाइड करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक ओपन लूप सिस्टम है। उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज ए कंट्रोल सिस्टम वेयर इट्स कंट्रोल एक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन इनपुट सिग्नल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो कंट्रोल एक्शन है, कंट्रोल एक्शन क्या है, मान लीजिए हमें इसी का टेम्परेचर डाउन करना था तो हम क्या कर रहे थे, कंट्रोल सिग्नल दे रहे थे, तो वही हमारा क्या है, कंट्रोल एक्शन है, ठीक है। कंट्रोल एक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली आउटपुट, ठीक है, ओनली आउटपुट, एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन आउटपुट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये जो फाइनल आउटपुट है ये सिर्फ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, इसमें कोई फीडबैक नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो ये आउटपुट पे, आउटपुट सिग्नल पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्लोज लूप सिस्टम के अंदर क्या है, देयर इज नो फीडबैक, नो फीडबैक, है ना।
इन ओपन लूप सिस्टम आउटपुट इज नॉट फीडबैक टू द इनपुट, आउटपुट को हम फीडबैक नहीं कर रहे हैं। फीडबैक का मतलब क्या, आउटपुट के कुछ हिस्से को इनपुट के साथ मिक्स करना। सो द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट, जो भी डिजायर्ड आउटपुट है इंडिपेंडेंट है। इन केस ऑफ ओपन लूप सिस्टम इट्स फाइनल पॉइंट इज इनडिफाइंड। इसका क्या है, फाइनल पॉइंट डिफाइन नहीं है। फाइनल पॉइंट डिफाइन नहीं है मतलब कैसे, हमने मान लो किसी को बोला है कि तुम बस चलते जाओ, नॉन स्टॉप चलते जाओ, तो उसका काम क्या है, सिर्फ चलते जाना है ना। ये नहीं है कहां तक चलते जाना है, कब तक चलते जाना है, बस चलते जाओ। तो इट्स फाइनल पॉइंट इज इनडिफाइंड। इसमें हो क्या है, वी आर गिविंग सम इनपुट corresponding to that output, corresponding to that input, some output is coming, ठीक है। Final point indefinite, हम कुछ input दे रहे हैं उसके corresponding हमें output मिल रहा है, and this output is not predefined output, this output is not predefined output, ठीक है, ये होगा। तो सबसे जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि ओपन लूप सिस्टम के अंदर फीडबैक नहीं होता है, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या क्या होंगे, सबसे सिंपल वो होगा डिजाइनिंग होगी, ठीक है, सिंपल डिजाइन, सिंपल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, कोई एक्स्ट्रा ब्लॉक वगैरह कुछ भी सर्किटरी ऐड नहीं कर रहे इसके अंदर, तो सिंपल हो गया। सेकंड है इकोनॉमिकल, ठीक है, मेंटेनेंस इजी होगी, ठीक है, हाईली स्टेबल ऑपरेशन, ठीक है, ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, इसके अंदर कोई फीडबैक नहीं है ना, नो फीडबैक। इसका फीडबैक नहीं होने का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, तो वो फीडबैक नहीं होने या ना होने से कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसका सबसे पहले क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि देखो हमने क्या बोला था कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट कनेक्शन होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, उनका मेन पर्पज क्या होता है, किसी टास्क को कंप्लीट करना। और वो कैसे करते हैं उस टास्क को कंप्लीट, वो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस कंपैरिजन। वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन के लिए क्या जरूरी है, फीडबैक जरूरी है, ठीक है। तो अगर फीडबैक नहीं है तो नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन मतलब नो एरर। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एरर नहीं होगी, इट मींस वी कैन नॉट डिटेक्ट एरर, हम एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर एरर को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते तो नो एरर करेक्शन। जब एरर को हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते तो क्या उसमें करेक्शन कर सकते हैं, नहीं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे ओपन लूप सिस्टम के। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्लोज लूप सिस्टम।